तत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं महर्षि रमन की शिक्षाएं जो उनके अपने शब्दों में हैं शुरू कर रहा हूँ ये श्रृंखला। महर्षि रमन एक ब्रह्म साक्षात्कारी आत्म साक्षात्कारी ऋषि परंपरा के प्राचीन ऋषि परंपरा के मनीषी थे। इनकी शिक्षाएं बहुत ही सीधी और सरल भाषा में हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है ये उनके अपने निजी अनुभव के आधार पर कहा है। किताबी ज्ञान नहीं कहा है बल्कि उनकी अपनी स्वयं की अनुभूति के आधार पर उनकी शिक्षाएं हैं। उनकी शिक्षाएं अधिकतर प्रश्न और उत्तर के रूप में होती हैं। साधक लोग महर्षि से प्रश्न पूछते थे और महर्षि उनका उत्तर देते थे। कभी कभी उनके उत्तर थोड़े से अंतर में आ जाते थे। इसका कारण ये था कि महर्षि जब जवाब देते थे तो वो साधक की आध्यात्मिक जो लेवल है उसके हिसाब से वो सवालों का उत्तर देते थे। साधक का आध्यात्मिक जो सत्र है वो कैसा है उसके हिसाब से उत्तर देते थे। तो इस प्रकार कभी कभी उनके उत्तरों में कुछ फर्क आ जाता था। तो मैं शुरू करता हूँ ये वीडियो। पहला क्वेश्चन साधक पूछता है, सत्य क्या है? महर्षि इसका उत्तर देते हैं, सत्य हमेशा रहता है, वह नाम रूप रहित है, फिर भी नाम रूप का आधार है, स्वयं अनंत होते हुए भी वह सब सीमाओं का आश्रय है, वह बद्ध नहीं है और स्वयं सत्य होते हुए सब मिथ्या पदार्थों का आधार है। सत्य वह है जो है, वह जैसा है वैसा ही है, वह वाणी से परे है, वह सत्य असत इत्यादि शब्दों से व्यक्त होने वाले ख्यालों से परे है। आत्मा वह सत्य है जो पदार्थ विषय ज्ञान के साथ अज्ञान के नष्ट होने पर शेष रहने वाली चेतना स्वरूप है। उस ब्रह्म स्वरूप आत्म चैतन्य में अज्ञान नहीं है, अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की सत्ता में अज्ञान अंधकार लेश मात्र नहीं है। वह अशरीर शोक रहित सत्ता जो जगत के रहने पर ही नहीं बल्कि उसके अभाव के समय में भी निरंतर प्रकाशित होती रहती है, वह तुम्हारा सच्चा आत्म स्वरूप है जो अंदर बाहर चिदानंद रूप में समान रूप से प्रकाशित होता रहता है। वह परमानंद में सत्य है,
मौन ही उसका स्वरूप है तथा सब ज्ञानी जन उसी को अखंड ज्ञान की अवस्था कहते हैं। समझ लो कि ज्ञान ही वैराग्य और विशुद्धि है। ज्ञान ईश्वर सायुज्य है, वह ज्ञान जिसमें आत्मा की कभी भी विस्मृति नहीं है। अमृतव है ज्ञान, सब कुछ है। प्रश्न, यह नित्य चेतना क्या है, कोई इसे कैसे पा सकता तथा विकसित कर सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, आप वह नित्य चेतना हैं। नित्य चेतना आपका दूसरा नाम है, क्योंकि आप ही चैतन्य हो। उसे पाने की तथा विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अनात्म पदार्थ विषयक चेतना का त्याग करना है। यदि मनुष्य अनाम वस्तु विषयक चेतना का त्याग करें तो केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है और वही आत्मा है। प्रश्न, यदि चेतना ही आत्मा है तो मैं इसमें क्यों उसके विषय में सहभान नहीं हूँ? महर्षि उत्तर देते हैं, द्वैत नहीं है। आपका वर्तमान ज्ञान अहंकार के कारण है, वह सापेक्ष ज्ञान है जिसमें दृष्टा एवं दृश्य की आवश्यकता होती है। आत्मा की चेतना पूर्ण है, उसमें ज्ञेय वस्तु या दृश्य की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार स्मृति भी सापेक्ष है, जिसमें स्मरण करने वाले की तथा स्मरण करने योग्य वस्तु की आवश्यकता होती है। लेकिन जहाँ द्वैत नहीं है तो कौन किसका स्मरण करे? आत्मा हमेशा विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है। अपने आप को जानने के लिए किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है? लोग आत्मा को किसी नवीन पदार्थ की तरह देखना चाहते हैं, किंतु वह सनातन है और सदैव एक समान रहता है। वे उसे जाज्वल्यमान प्रकाश इत्यादि रूपों में देखना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह न प्रकाश है न अंधकार, वह जैसा है वैसा है। उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या मैं हूँ, वह मैं हूँ। श्रुतियाँ कहती हैं कि वह अंगूठे के परिमाण का है, कि इसके अग्रभाग जितना है, बिजली की अक्षणिक चमक जैसा है, बड़े से बड़ा, सूक्ष्म से सूक्ष्म इत्यादि। लेकिन ये सारे वर्णन निराधार हैं। वह सत्य है, लेकिन सत असत से विलक्षण है। वह ज्ञान है, किंतु ज्ञान तथा अज्ञान से भिन्न है। उसकी व्याख्या हो ही कैसे सकती है? वह केवल शुद्ध सत्ता है। प्रश्न, जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है तो वह क्या देखता है? महर्षि उत्तर देते हैं, वहां कुछ देखना नहीं है, देखना केवल होना है। जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसमें कुछ नया प्राप्त नहीं करना है या दूर स्थित ध्येय को प्राप्त नहीं करना है, किंतु केवल वह होना है जो आप हमेशा हैं और हमेशा थे। करना सिर्फ इतना है कि असत्य को सत्य मानना छोड़ दिया जाए।
हम सब असत्य को सत्य समझ बैठे हैं। हमें केवल इस आदत को छोड़ना है, तब हम आत्मा को आत्मा के रूप में जानेंगे। दूसरे शब्दों में, आत्मा बनिए एक समय आएगा जब आप अपने आप पर हंसेंगे कि आप नित्य प्रकट आत्मा को खोजने का प्रयत्न कर रहे थे, इसलिए इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए। वह भूमिका दृष्टा दृश्य से परे है, वहाँ किसी पदार्थ को देखने वाला है ही नहीं। जो इसमें इन सब पदार्थों को देखता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तब केवल आत्मा ही शेष रहता है। प्रश्न, इसे सीधे अनुभव से कैसे जाना जा सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, यदि हम आत्मा को जानने की बात को स्वीकार करते हैं तो अवश्य दो आत्मा होनी चाहिए, एक जानने वाला आत्मा तथा दूसरा ज्ञेय आत्मा एवं जानने की क्रिया का भी स्वीकार करना पड़ेगा। जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसमें हम जो हैं वही रहते हैं, इसमें कुछ जानना या बनना नहीं होता है। यदि किसी ने साक्षात्कार किया है तो वह केवल वही होता है जिसकी सत्ता है और हमेशा से है। कोई भी इस अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता, सिर्फ हो सकता है। शब्द दरिद्रता के कारण हम शिथिलता पूर्वक आत्म साक्षात्कार शब्द का प्रयोग अवश्य करते हैं, किंतु जो हमेशा सत्य है उसे सत्य कैसे बनाया जा सकता है? प्रश्न, आप प्राय कहते हैं कि आत्मा मौन है, ऐसा क्यों? महर्षि उत्तर देते हैं, जो लोग आत्मा के निर्विकल्प सौंदर्य में जीते हैं उनके लिए कुछ भी सोचने योग्य नहीं है। जिसमें दृढ़ निष्ठा पूर्वक रहना होता है वह केवल मौन अनुभव है, क्योंकि वह सर्वोच्च अवस्था में अपने आत्मा से भिन्न किसी प्राप्त्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। प्रश्न, मौन क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, मौन वाणी तथा विचार से परे की अवस्था है, जो है वह मौन है। मौन का वर्णन शब्द में कैसे किया जा सकता है? ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वह अवस्था जिसमें अहंकार का विदय उदय कभी भी नहीं होता, वही आत्मा है, स्वरूप है और वही मौन है। मौन आत्मा ईश्वर है, आत्मा ही जीव है तथा आत्मा ही यह पुराना जगत है। दूसरे सारे ज्ञान तुच्छ एवं अक्षुद्र हैं। मौन अनुभव ही सच्चा पूर्ण ज्ञान है। समझिए कि वस्तुगत वैविध्य सत्य नहीं है, वह सिर्फ सत्य ज्ञान स्वरूप आत्मा पर आरोपित है। प्रश्न, क्योंकि अशक्य असंख्य शरीर तथा उन्हें जीवित रखने वाली असंख्य आत्माएं भी सर्वत्र विद्यमान हैं और वस्तुतः दिखता भी ऐसा ही है, जो आत्मा एक ही है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, यदि मैं शरीर हूँ यह विचार सत्य माना जाए तो आत्मा असंख्य है, लेकिन जिस अवस्था में यह विचार नष्ट होता है उसे ही आत्मा कहा जाता है तथा उसमें किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, इसलिए आत्मा केवल एक ही है, ऐसा कहा जाता है। माया से मोहित हुए आत्मा भास रूप मन की दृष्टि में ही देह का अस्तित्व है, सच्चे आत्मा की स्वाभाविक दृष्टि में नहीं, इसलिए
चिदाकाश रूप आत्मा को देही कहना गलत है। देह के सिवा जगत नहीं, मन के सिवा देह नहीं, चेतना के सिवाय मन नहीं और सद वस्तु के सिवाय चेतना का अस्तित्व नहीं है। जिसने अपने भीतर डूबकर आत्मा को जान लिया है, ऐसे ज्ञानी के लिए आत्मा से भिन्न कोई गे नहीं है, क्योंकि जो अहंकार स्वयं को देह से एक रूप समझता है वह नष्ट हो गया, इसलिए वह निराकार सत्यचित स्वरूप है। ज्ञानी जानता है कि वह आत्मा है और आत्मा के सिवा देह या अन्य कोई वस्तु नहीं है। ऐसे ज्ञानी के लिए देह के रहने या न रहने से क्या फर्क पड़ता है? साक्षात्कार के विषय में बात करना गलत है। किसका साक्षात् करना है? जो सत्य है वह हमेशा वैसा ही रहता है। हम किसी नई चीज को उत्पन्न नहीं करते, न ही कोई नई चीज प्राप्त करते हैं जो पहले हमारे पास नहीं थी। इस बात को धर्म ग्रंथों में दृष्टांत देकर इस प्रकार समझाया गया है। हम पृथ्वी को खोदकर कुआं बनाते हुए गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे या कुएं के आकाश को हमने उत्पन्न नहीं किया है, हमने सिर्फ उस अवकाश को रोकने वाली मिट्टी को हटाया है। अवकाश जहां तब भी था और अब भी है। इसी प्रकार हमें केवल हम में रहते हुए युग युगीन संस्कारों को हटाना है। उनके हटने पर केवल आत्मा प्रकाशित होगा। प्रश्न, लेकिन यह कैसे किया जाए जिससे मुक्ति प्राप्त हो? महर्षि उत्तर देते हैं, मुक्ति हमारा स्वरूप है, हम वही हैं। मुक्ति की इच्छा यह सिद्ध करती है कि बंधन से मुक्त रहना हमारा स्वभाव है, उसे नए सिरे से प्राप्त नहीं करना है। जो हमें करना है वह केवल यही कि हम बद्ध हैं, ऐसा गलत धारणा का त्याग करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो किसी प्रकार की इच्छा या विचार नहीं रहेंगे। जब तक कोई मुक्ति की इच्छा करता है तो समझना चाहिए कि वह बद्ध है। प्रश्न, कहा जाता है कि आत्म साक्षात करने वाला मनुष्य जागृत स्वप्न और सुसुप्ति का अनुभव नहीं करता, क्या यह सच है? महर्षि उत्तर देते हैं, आपको किसने कहा कि उसे यह तीन अवस्थाएं नहीं हैं? जब आप यह कहते हैं कि मैं गाढ़ निद्रा में था तब स्वप्न देखा और अब मैं जग गया हूँ, तो आपको यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि आप इन तीनों अवस्थाओं में थे। इससे यह सिद्ध होता है कि आप हमेशा रहते हैं। इस समय आप जैसे हैं वैसे ही रहें तो आप जागृत अवस्था में हैं, लेकिन यह अवस्था स्वप्न में लीन होती है और स्वप्न अवस्था गहरी नींद में अदृश्य हो जाती है। तब भी आप थे, अब भी आप हैं, अर्थात आप हमेशा रहते हैं। तीन अवस्थाएं आती जाती हैं, अनित्य हैं, लेकिन आप हर्षमय रहते हैं, नित्य हैं। यह चलचित्र के समान है, पर्दा सदैव रहता है, विभिन्न प्रकार के चित्र पर्दे पर दिखते हैं और अदृश्य होते हैं। पर्दे पर कुछ भी चिपकता नहीं, वह पर्दा ही रहता है। ऐसे ही तीनों अवस्थाओं में आप अपनी आत्मा ही बने रहते हैं। यदि उस आत्मा को आप जाने तो ये अवस्थाएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जैसे अपने सिर पर दिखने वाले चित्रों से पर्दा अलिप्त रहता है, पर्दे पर आप कभी असंख्य तरंगों वाले समुद्र को देखते हैं, वह अदृश्य हो जाता है। कभी आप चारों ओर फैलने वाली आग देखते हैं, वह भी अदृश्य हो जाती है। दोनों के दिखने के समय पर्दा होता है, क्या वह पानी से गीला होता या आग से जलता है? पर्दे को किसी ने प्रभावित नहीं किया,
इसी तरह जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति में जो भी होता है उसका आप पर कोई असर नहीं होता। आप सदैव अपनी आत्मा बने रहते हैं। प्रश्न, इसका यह अर्थ है कि यद्यपि सबकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, लेकिन उनका उन पर कोई असर नहीं होता। उत्तर देते हैं महर्षि, हाँ यह बिल्कुल सही है। ये अवस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं। आत्मा जरा भी चिंतित नहीं होता, उसका केवल एक अवस्था होती है। प्रश्न, अर्थात मनुष्य इस जगत में केवल साक्षी है। महर्षि उत्तर देते हैं, ऐसा ही है। इसी तथ्य को समझाने के लिए विद्यारण्य ने पंचदशी के दसवें अध्याय में नाट्य ग्रह के दीप का उदाहरण दिया है। नाटक शुरू होता है तो वहाँ एक दीप होता है जो बिना किसी भेदभाव के राजा, सेवक, नर्तक इत्यादि अभिनेताओं को एवं दर्शकों को प्रकाशित करता है। यह दीप नाटक प्रारंभ होने से पहले, नाटक के दौरान एवं उसके समाप्त होने पर भी जलता रहता है। इसी प्रकार भीतर का प्रकाश आत्मा अहंकार को, बुद्धि को, स्मृति को तथा मन को स्वयं वृद्धि या अक्षय को प्राप्त हुए बिना प्रकाश देता है। निद्रा में एवं उसके समान मूर्छा इत्यादि अवस्थाओं में अहम का अनुभव नहीं होता, तब भी आत्मा निराधिक स्वरूप में अपने आप प्रकाशित होता रहता है। वस्तुतः आत्मा साक्षी है, यह भी मन का विचार मात्र है, आत्मा का पूर्ण सत्य नहीं है। साक्षी होना साक्ष्य पदार्थों की अपेक्षा रखता है। साक्षी एवं उसके साक्ष्य पदार्थ दोनों मन की कल्पना है। मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। कृपा करके वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगले वीडियो में ये टॉपिक जारी रहेगा।